सभी जो पूर्व में एआईएम के पांच में से जो चार सदस्य थे उनको पारी पारी से बुला करके उन्होंने बात भी की और पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के उन्होंने आज बिहार विधानसभा के समापन भाषण के में ये ऐलान किया, ये घोषणा की कि चारों विधायकों को राष्ट्रीय विधायक दल में सम्मिलित किया जाता है। इसका ये मायने है कि राष्ट्रीय जनता दल अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। तो एक बड़ी बात है, कभी भी देश में कहीं ऐसा नहीं देखा जा रहा है आजकल या पूर्व में भी, जहां कोई एक विपक्षी दल में लोग दूसरे दल के विधायक विलय कर रहे हैं। तो ये विलय जो है सभी विलयों से अलग है। हमेशा देखा जाता रहा है कि जहां सत्ताधारी दल है वहीं ज्यादातर लोग जो हैं विलय कर, तो ये अद्भुत है और ये साफ बताता है कि जो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का जो नेतृत्व है और जो विचारधारा है सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता सभी लोग को बराबरी का हक मिले, सम्मान मिले, अंतिम पैदान पे जो खड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, जो शोषित वंचित है उसको मान सम्मान मिले, अधिकार मिले, ये सोच और विचारधारा राष्ट्राध्यक्ष जी का बताता है कितना मजबूत है कि हर कोई से प्रभावित रहता है। वरना इतने साल से विपक्ष में रहने के बावजूद भी 17 साल से आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई कि बिहार में अकेले चुनाव लड़के देख ले और हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। और हम आपको बता देना चाहते हैं, ये तो महत्वपूर्ण बात था ही, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आज अगर आकलन किया जाए कि महागठबंधन को ज्यादा वोट है या एनडीए को ज्यादा वोट है, क्योंकि 2020 में अंतर केवल 12,000 वोटों का था, 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला तो 1,56,12,000 एनडीए को वोट मिला। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।